Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Abhishek. So guys, आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आप लोगों का जो Android फोन है उसके आप लोगों को कई सारी हिडन सेटिंग का आप लोगों को नहीं पता होता. तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को कई सारी Android की हिडन सेटिंग्स के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ. और भी इसमें आप लोगों को यहाँ पर Android टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ इस वीडियो में. सो गाइज, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपली से मेरी इस वीडियो को पूरा यहाँ पर लास्ट तक देखना पड़ेगा, जब ही आप लोगों को सबको समझ में आएगा कि ये एप्लीकेशन कि आप लोग इस हिडन एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स को किस तरीके से आप लोग के मोबाइल में यूज़ कर सकते हो. सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. गाइस, ट्रिक नंबर वन ये है कि आप लोग को सिंपली से सेटिंग में जाना है. सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख रहा होगा. नोटिफिकेशन पर जाने के बाद नोटिफिकेशन सेड पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर कंट्रोल्स सेंटर एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर हाइड एंड नोट्स पर क्लिक करना है. फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी आप लोग के नोच है उसको आप लोग ईजिली आप लोग के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो. आप लोग का जो नोच होता है आप लोग उसे हाइड कर सकते हैं, यानी कि आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग का जो यहाँ पर नोच होता है वो यहाँ पर फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा. अगर आप लोग यहाँ पर हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार, अगर आप लोग अपने नोच को हाइड करोगे और विदाउट नोटिफिकेशन बार पर, तो इस पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोग का नोटिफिकेशन बार है जो वहीं पर रह जाएगा. फिर आप लोग यहाँ पर हाइड एंड मूव स्टेटस बार, यानी कि आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग का पूरा स्टेटस बार है वो आप लोग के कैमरा के नीचे आ जाएगा. पहली नंबर ट्रिक ये थी. गाइस, ट्रिक नंबर टू इस तरीके से है कि आप लोग अपने इंटरनेट की कनेक्शन स्पीड को आप लोग दिखाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर शो कनेक्शन स्पीड पर यहाँ पर इसे इनेबल कर दें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग की जो कनेक्टिविटी की स्पीड है इंटरनेट की वो आप लोग के सामने दिखाई देगी. अगर आप लोग इसे बंद कर देते हो तो नहीं दिखाई देगी. इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग के सामने आप लोग कनेक्शन स्पीड आप लोग के सामने दिखाई देगी. ट्रिक नंबर थ्री, यहाँ पर आप लोग को बैटरी इंडिकेटर दिख रहा होगा. इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर सिंपल बैटरी इंडिकेटर लगा सकते हो. अगर आप लोग यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके का बैटरी इंडिकेटर लगा सकते हो. अगर आप लोग यहाँ पर थर्ड वाले पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके का बैटरी इंडिकेटर लगा सकते हो. ये थी ट्रिक नंबर थ्री. ट्रिक नंबर फोर की बात करते हैं तो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन पैनल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सिंपल सा. अगर आप लोग इसे एडवांस करना चाहते हो तो आप लोग को यहाँ पर सिंपली से यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करना है. एंड इस पर आप लोग कंट्रोल करने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देने लगेगा. तो ये थी ट्रिक नंबर फोर. एंड गाइज, इस तरीके से आप लोग के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप लोग रीड आउट करवाना चाहते हो आप लोग के मोबाइल के थ्रू, सिंपली से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आना है सेटिंग में. सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आना है. एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है एसेसिबिलिटी में. एसेसिबिलिटी में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जनरल. फिर आप लोगों को दिख रहा होगा विज़न. विज़न में आने के बाद आप लोगों को सिलेक्ट टू स्पीक को आप लोगों को इसे इनेबल कर देना है. आप लोगों के में ये डिसेबल होगा. इनेबल करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा एक इंसान जैसा. सिंपली से आप लोग को इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आप लोग को इसे स्टार्ट पर क्लिक करना है. स्टार्ट पर क्लिक आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोग का जो एक्सेसिबिलिटी व्हेन सेलेक्ट टू स्पीक इज ऑन यू कैन टैप स्पेसिफिक आइटम्स ऑन योर स्क्रीन टू हियर देम रीड अलाउड स्टार्ट सेलेक्ट टू स्पीक देन यू कैन टैप अ स्पेसिफिक आइटम लाइक टेक्स्ट और एन इमेज. तो इस तरीके से आप लोग का जो जितना भी टेक्स्ट होगा वो आप लोग के मोबाइल में स्पीक होने लगेगा. आप लोग इस तरीके से आप लोग किसी भी आर्टिकल्स को आसानी से यहाँ पर स्पीक करवा सकते हो. ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एंड्रॉयड ट्रिक्स है. एंड गाइस, नेक्स्ट एंड्रॉयड ट्रिक्स की बात करें तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग के मोबाइल में आप लोग के मोबाइल डेटा प्लस आप लोग का जो वाईफाई है वो दोनों मिलकर एक स्टेबिलिटी कनेक्शन स्पीड आप लोग को प्रोवाइड करे तो आप लोग यहाँ पर फास्ट स्पीड आप लोग आसानी से अपने मोबाइल से ले सकते हो आप लोग के मोबाइल के थ्रू प्लस आप लोग के वाईफाई डेटा के थ्रू. तो आप लोग को ये किस तरीके से लेनी है, आप लोग को सिंपली से सेटिंग में जाना है. सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को एडिशनल सेटिंग में जाना है. एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिख रहा होगा. इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है. स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन देखेगा मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव. इस पर आप लोगों को यहाँ पर इनेबल कर देना है. आप लोग देख सकते हो ऑलवेज कीप मोबाइल डेटा एक्टिव इवन व्हेन वाईफाई इज एक्टिव फॉर फास्ट नेटवर्क स्विचिंग. तो इस तरीके से आप लोग के कनेक्शन स्पीड को और भी बेहतरीन और ज़्यादा स्टेबिलिटी और आसानी से तेज बना सकते हो आप लोग के वाईफाई के थ्रू.
एंड गाइज नेक्स्ट एंड्रॉयड ट्रिक्स की बात करूं कि जैसे कि अगर आप लोगों का मोबाइल आप लोग के यहाँ पर रखा रहता है सरफेस पर, तो आप लोग उस मोबाइल को सिंपली से ऐसे ऊपर उठाते हो तो आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो मोबाइल है वो आप लोग के सामने यहाँ पर ऑन हो जाता है। अगर आप लोग जैसे ही आप लोग इसे इस तरीके से आप लोग उठाएंगे तो आप लोग का मोबाइल आसानी से ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को किस तरीके से करना है, सिंपली से आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर लॉक स्क्रीन दिख रहा होगा। लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है राइज टू वेक अप, तो आप लोग का ये यहाँ पर डिसेबल होगा। सिंपली से आप लोग इसे इनेबल कर दोगे तो आप लोग का मोबाइल, तो इस तरीके से आप लोग मोबाइल को उठाओगे तो आप लोग का मोबाइल आसानी से ओपन हो जाएगा। या आप लोग इसे डिसेबल करके रखोगे तो अब आप लोग देख सकते हो आप लोग का मोबाइल यहाँ पर इनेबल नहीं होगा। एंड गाइस आप लोग के मोबाइल में अगर स्क्रीन लॉक होती है तो आप लोग इस मोबाइल में इस तरीके से कुछ वॉलपेपर से आते रहते हैं, आप लोग देख सकते हो। आप लोग इनसे बोर हो जाते हो, आप लोग अपना खुद का बैकग्राउंड वॉलपेपर नहीं लगा सकते, यानी कि लॉक वॉलपेपर नहीं लगा सकते, तो सिंपली से आप लोग को इसे स्वाइप अप करना है। ओपन करने के बाद आप लोग को जाना है आप लोग की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर जाना है लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आप लोग को दिख रहा होगा ग्लेंस फॉर मी, इसको आप लोग को यहाँ पर सिंपली से टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो लॉक वॉलपेपर है वो आसानी से आप लोगों के मोबाइल में यहाँ पर चालू हो जाएगा। एंड गाइज नेक्स्ट एंड्रॉयड ट्रिक्स की बात करूँ तो अगर आप लोग को चाहते हो कि आप लोग का जो मेन्यू बार है ये वो आप लोग इसे मिरर करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो बैक बटन है वो इधर आ जाएगा। अगर आप लोग इसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लोग का मेन्यू बटन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग को ये किस तरीके से करना है, आप लोग को आना है सिंपली से डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, इस पर क्लिक करना है। एंड फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आने के बाद आप लोग को ये वाला फीचर आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर ये जो मेन्यू बार है इसे मैं यहाँ पर हटा दूँ, हाइड कर दूँ और फुल स्क्रीन पर आप लोग क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो मेन्यू बार है वो यहाँ से हट चुका है। तो आप लोग सिंपली से ऐसे करोगे तो आप लोग का जो मेन्यू बार है वो सिंपली से हाइड हो जाएगा और आप लोग का मेन्यू बार इस तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा फुल स्क्रीन में। एंड गाइस नेक्स्ट एंड्रॉयड ट्रिक्स की बात करूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपने फोल्डर को हाइड करना चाहते हो, आप लोग को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली से आप लोग को क्या करना है, आप लोग जिस तरीके से आप लोग किसी भी फोल्डर को हाइड करना चाहते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग चाहते हो कि जैसे कि गाइस देख सकते हो मेरे में ये डाउनलोड का एक फोल्डर है गैलरी में, अगर मैं इसे चाहूँ तो इसे ऐड कर सकता हूँ। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली से आप लोग के फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो डाउनलोड दिख रहा होगा इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को मेन्यू बार में जाने के बाद यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करना है। रीनेम पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली से यहाँ पर डाउनलोड लिखा है इसके आगे आप लोग को यहाँ पर एक डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद इसे यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसे यहाँ पर आप लोग ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हो फाइल विद दिस नेम यूज स्टार डॉट आर ऑटोमेटिकली हिडन बाय सिस्टम यूज दिस नेम एनीवे, तो आप लोग इसे ओके कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो आप लोग के सामने यहाँ पर जो फोल्डर है वो हाइड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर गैलरी में आता हूँ तो आप लोग के सामने देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग किसी भी फोल्डर को आसानी से हाइड कर सकते हो बिना किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किए। तो ये ट्रिक आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई है। अगर आप लोग इस फोल्डर को वापस लाना चाहते हो तो सिंपली से फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोग को जो हिडन यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। आप लोग को दिख रहा होगा सो हिडन फाइल्स, आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग की जो हिडन फाइल है वो आसानी से यहाँ पर दिख जाएगी। सिंपली से इस पर क्लिक करने के बाद इसे दोबारा से रीनेम कर देना है। आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को जिसके सामने जो डॉट लगाया था उसे यहाँ पर हटा देना है, ओके कर देना है, तो आप लोग की जो फाइल है वो आसानी से यहाँ पर आ जाएगी और गैलरी में भी वो आसानी से वापस आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो वापस आसानी से आ चुकी है। तो ये है दोस्तों फुल एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स। स्वागत दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे का बटन आएगा उसे भी दबा दें। सो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।